तरफ से तालियों से स्वागत करते हैं। शायद आप लोगों ने कुछ लोगों ने सुना होगा कि हमें कुछ ट्रिक मिला, टारगेट मिला है गोवा का, सुना होगा सबने। जो न्यू आए हैं उनको भी हम सुने कि हम पहली मीटिंग कर रहे हैं जो गोवा की, हमें टारगेट मिलने के बाद हम पहली मीटिंग कर रहे हैं आज। तो हमारा जो गोवा का मिला है वो एसोसिएट को मिला होगा आपने, जो जिन्होंने पढ़ा होगा ग्रुप में, 10 लाख मिला है एसोसिएट के लिए और बाकी सीनियर्स के लिए उनको डबल डबल मिला है। तो जो हम लोग हैं अपने टारगेट कम्प्लीट, हम लोग गोवा का भी स्कोप मिला है हमें 31 जुलाई तक। अगर हम लोग अगर बिजनेस दे देते हैं, चाहे EMI हो, चाहे किसी के अकाउंट का जमा करना हो या न्यू बिजनेस जो भी, और टोटल हमारा एसोसिएट के लिए 10 लाख का है। तो 1.5 महीने का टाइम है हमारे पास, 16 तारीख है तो हमें 1.5 महीने का टाइम है 31 जुलाई का। इस तारीख तक तो अगर 31 जुलाई तक अगर हम टारगेट कम्प्लीट कर लेते हैं तो हमें गोवा का 6 डेज का पैकेज है। तो 6 दिन तो हमारे मतलब गोवा का पिकनिक है और गोवा सब लोग जाना सोचे हो तो जरूर इस महीने, इस हफ्ते और इस महीने शुरू हुआ जो ट्रिप शुरू हुआ हमारा, लास्ट वीक मिला था तो उसको इंक्लूडिंग सोच लो आज से हमारा न्यू स्टार्टअप है। तो आप कोशिश कीजिए गोवा की ट्रिप के लिए टारगेट कम्प्लीट कीजिए, और नहीं हो तो अपने क्लाइंट्स को और जुड़ाओ, उनको भी मोटिवेट करो कि वो भी जुड़े जाए। तो इस सिस्टम को अभी जो हमारे सुप्रीम बैठे हुए जो भी लीडर्स आएंगे समझाने के लिए, जो भी आएंगे, तो उनके जो सिस्टम है कैसे सेल करना है, कैसे कहाँ तक पहुँचना, इसमें इसलिए हम लोग एक मीटिंग अरेंज करते हैं कि हम लोग सब लोग इकट्ठे होकर एक मीटिंग की प्लानिंग को हम लोग समझें कि एक्चुअल पॉइंट क्या है, व्यू क्या है, कैसे रास्ता है, क्या अच्छा है, एक पॉइंट है। अकेले में हम लोग सीनियर से मीटिंग करते तो बता दें कि भाई ऐसे इतना बिजनेस है, इतना ये है, बट हम लोग अगर 100 आदमी बीच में अगर हमें कोई लीडर बोलता है तो हम लोग 100 आदमी समझते हैं, 100 का 100 सवाल हो सकता है, 10 सवाल हो सकता है, वो भी हम लोग यहीं पर क्लियर करते हैं। तो इस कंटिन्यू करने के लिए मैं हमारी आगे की जो करने के लिए कैसे हम लोग कहाँ पर सेल आउट कर रहे हैं उसके लिए बुलाना चाहूँगी हमारे वीर प्रताप जी को। लेकिन अब इसमें समझिए कि जैसे अभी हम लोग को टारगेट मिला है, पहले भी टारगेट मिला था वो हमारा न्यू स्टार्टअप हो गया, और मैं एक से हम शायद हमें मिल गया न्यू टारगेट मिला हुआ ना कि अब 31 अक्टूबर तक हमें ये मिला जाएगा तो हमें फिर से हमें काम करने का मौका मिला। प्लस हमें अभी कंपनी ने और एक नया टारगेट दिया कि गोवा का, पहले तो हमारा टारगेट गिफ्ट था। तो इसको समझाने के लिए आसान थे, समझाने के लिए मैं वीर प्रताप जी को बुलाऊंगी, तो हमारे लीडर के लिए स्वागत करेंगे ताली से। नमस्कार, वीर प्रताप सिंह आपका साथी, आपका दोस्त। आज सबसे बात शुरू करने से पहले मैं एक जरूरी जानकारी देना चाहूँगा जो हमारे ऑफिस की तरफ से आई है, ठीक है, थोड़ी देर में आपको मिल भी जाएगा, जितने लीडर्स हैं और एसोसिएट्स हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जितने भी एसोसिएट हैं वो अपने किसी भी क्रॉस लाइन का नंबर एक्सचेंज नहीं करेंगे। जो भी एसोसिएट हैं वो कोई भी अपनी क्रॉस लाइन से नंबर एक्सचेंज नहीं करेंगे, ना ही उनके कैबिन में जाएंगे, ना ही उनसे इस अपनी पोस्ट या किसी भी तरह से संबंधित कोई भी बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इन चीज़ों के होने से ना दिक्कतें आ रही हैं, पर्सनल लेवल पे भी, ऑफिशियल लेवल पे भी चीज़ें उलझ रही हैं। तो हमारे ऑफिस की तरफ से ये आदेश है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सुप्रीम फील्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के सभी एसोसिएट एवं लीडर्स को सूचित किया जाता है कि कोई भी अपने क्रॉस लाइन के किसी भी मेंबर से फोन नंबर लेता हुआ पकड़ा जाएगा या उसे अपने कैबिन में बुलाकर कोई भी किसी भी प्रकार की बात करता पाया गया, उस कंडीशन में कंपनी उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेगी, ठीक है सर। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखिए हम मेन जिस पर्पज से आए हैं हमें उसी काम पे फोकस करना चाहिए। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे की थाली में क्या रखा है, इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। सारे एसोसिएट हैं यहाँ पे, नए कितने लोग हैं, पहली बार ज्वाइन कर रहे हो आप लोग, आप दोनों लोग, ठीक है। ये चीजें थोड़ी देर बाद आपको क्लियर हो जाएंगी, अगर अभी समझ में नहीं आई तो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगे। बाकी सभी लोग एसोसिएट हैं, सब समझ गए मेरी बात, ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए मैं एक एसोसिएट से बात कर रहा हूँ अभी,
ऐसा कितने लोग समझते हैं कि बिजनेस में लोग झूठ बोलते हैं? सब कोई समझता है कि बिजनेस में झूठ बोले बिना बिजनेस कोई ले सकता है। उनका क्लियर होना बहुत जरूरी है। 50% सही है सवाल, कि वो मानते रहो कि बिना झूठ बोले वो काम नहीं कर पाते। ठीक है, ऐसा मानते हो आप लोग? ठीक है, नहीं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है, देखिए हर चीज की ना एक प्रक्रिया होती है, बिजनेस के कुछ टर्म कंडीशन होते हैं। ठीक है, ये जो झूठ शब्द है ना, मैं इसको क्लेरिफाई कर रहा हूँ, बिजनेस में झूठ नहीं बोला जाता। ठीक है, जो भी कोई कहता है कि बिजनेस में झूठ बोलते हैं, तो वो उनका उनका थॉट प्रोसेस है, वो किस लेवल में सोच रहे हैं। ठीक है, झूठ तो ये होगा कि जी मैं प्लॉट दिखा के आपको कह रहा हूँ कि कुतुब मीनार बेच रहा हूँ, उसको झूठ बोला जाता है। सही है या गलत है? मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि जी मैं प्लॉट दे रहा हूँ, तो मैं आपको प्लॉट दे रहा हूँ, कंपनी ने जो रेट दिया है मैं उस रेट पे आपको दे रहा हूँ ना। ठीक है, फ्यूचर जो वहां का है वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, झूठ का है इसे? ये स्ट्रेटेजी है, ये जो है ना, ये प्लान होता है हर तरीके। कोई भी कोई छोटी सी दुकान ले लो, कोई परचून का, आप लोगों में बहुत सारे लोगों की दुकानें होंगी, तो क्या दुकान पे बैठ के जो सामान बेचते हो झूठ बोलते हो? किस कोई दूध की थैली लेने आया तो झूठ बोल के देगा? नहीं, ये लोगों की मानसिकता बन गई है, इसको बिल्कुल छोड़ दो। कोई अगर ऐसी बात कहता है कि बिजनेस में झूठ बोलते हैं और मतलब जो है ना व्यापार झूठ बोले के बिना हो नहीं सकता, तो ऐसा नहीं। ठीक है, इतने बड़े बड़े बहुत अच्छे ब्रांड भी हैं भारत में हुए हैं, विदेशी ब्रांड भी यहाँ काम कर रहे हैं, सब झूठ बोल के कर रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और, जो नए लोग आए उनसे नहीं बोल रहा हूँ, अपने पुराने साथियों से, ऐसा और कितने ऐसा कितने लोगों को लगता है कि इस मीटिंग में हमेशा एक ही बात दोहराई जाती है? नहीं, एक ही बात नहीं दोहराया जाता, समझने के लिए। यही चीज है कि देखो जी, अब एक ही काम को हम बार 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 करते हैं तो हमारे लिए वो यूज हो जाता, हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, हम ये जो काम कर रहे हैं, जो हम आपको हर हफ्ते बताते हैं, ये हमें तो पता है, रटा हुआ है, और हम चाहते हैं कि आप लोगों को भी ये समझ में आए पूरी तरह से। जो हमारे नए साथी आ रहे हैं उनको भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, अब बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि जी हम अब क्रिकेट, कितने लोग खेला क्रिकेट, खेलते हो ना, एक प्रोसेस होता है ना गेंद फेंकने का, बल्ला घुमाने का कोई प्रोसेस नहीं है, लेकिन गेंद को फेंकने का प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो हम प्रैक्टिस करते हैं तब वो चीजें होती हैं रेगुलर बेस पे। ठीक है, तो जो भी अगर कहते हैं कि इनमें बार बार रिपीट होती हैं, तो देखो जी प्रैक्टिस होगी तभी हम आगे काम को सही ढंग से कर पाएंगे, तभी फिर में बता पाएंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और है जो पिछले हफ्ते आई थी सामने, देखो किसी भी बिजनेस और काम की ना एक पॉलिसी होती है, एक प्राइवेसी पॉलिसी होती है, एक इंटरनल चीज़ें होती हैं जो कि हमारे आपके लिए होती है। ठीक है, हम उनको पब्लिक नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अपनी ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग को हम एसोसिएट लेवल पे ही रखते हैं। ठीक है, लास्ट वीक हुआ क्या था कि हमारी ये जो बिजनेस प्लान है, इस प्लान को एक किसी सज्जन ने वीडियो क्लिप बनाई और उसको वायरल कर दिया। ठीक है, बात को ध्यान से समझिएगा, वायरल कर दिया। ठीक है, तो उसमें एक्चुअली क्या है, उसमें लॉस क्या है? डेफिनेटली लॉस है उसमें, समझ में आ रहा है, लॉस है या नहीं उसमें? है ना, तो ऐसा नहीं करो।
हम सब लोग एसोसिएट हैं, वीडियो बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको अपने लेवल तक रखो, एसोसिएट लेवल तक रखो, कस्टमर लेवल पे नहीं जाना चाहिए। कस्टमर लेवल पे जाएगा तो हमें हमारी इनकम पे फर्क पड़ेगा। कोई चोरी नहीं कर रहे, बेईमानी नहीं कर रहे, जो एक सिस्टम बताता है उस सिस्टम के तहत हमें काम करना है। ठीक है जी, कोई भी वीडियो बनाएगा तो जो बिजनेस प्लान की, सिर्फ बिजनेस प्लान, बाकी आप शेयर करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ जो बिजनेस प्लान है उसको शेयर नहीं करना किसी से एसोसिएट्स के अलावा। और जब हम सब एसोसिएट्स हैं तो हमें वीडियो उस प्लान की बनाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, अब जिस काम के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया मैं वो काम करता हूँ। देखिए, हमारी कंपनी का रियल एस्टेट का काम है प्लॉट बेचने का। प्लॉट है हमारे खोड़ी कला सोना तावड़ू में। नए लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सोना तावड़ू कहाँ पर है मैं आपको मैप के माध्यम से वहां लेकर के चलूंगा। ठीक है, अभी हम लोग जो है ना द्वारका मोड़ दिल्ली में बैठे हुए हैं, यहाँ से लगभग 65 किलोमीटर उसकी दूरी पड़ती है। वहाँ जाने के कई रास्ते हैं, लेकिन मेन जो रास्ता है जहाँ से हमें हमारा आउटपुट अच्छा आएगा मैं वो रास्ता आपको बताऊंगा। ठीक है, एक सेंटर पॉइंट हम ले लेते हैं, रास्ता बताने को यहाँ से ही बताया जा सकता है, लेकिन मैं राजीव चौक गुड़गांव का, राजीव चौक सभी लोगों ने देखा सुना होगा, है ना जी, वहीं से चलते हैं। पहले मैं राजीव चौक से ही लेता हूँ। ठीक है, सपोज कीजिए ये राजीव चौक, राजीव चौक से NH8 कहाँ जाता है, कहाँ जाता है सर, NH8 जयपुर, जयपुर जाता है। आप हम लोगों को जयपुर की तरफ चलना है, कितना चलना है जी, 33 किलोमीटर, इधर लिखे 33 किलोमीटर चलना है जयपुर की तरफ। गुड़गांव के बाद क्या मिलता है, बोलते जाओ सर, आपको मिलेगा मानेसर। ठीक है जी, मानेसर क्या है, IMT है ना, इंडस्ट्रियल एरिया है ना, मॉडल टाउनशिप है ना। ठीक है जी, जब आप यहाँ राजीव चौक से लगभग 22 किलोमीटर चलेंगे, 22 किलोमीटर चलेंगे तो आपको एक हाईवे मिलता है जिसको बोलते हैं KMP, और इसके दूसरे नाम क्या है बताओ जी, जिसको बोलते हैं गुड़गांव, सॉरी नोएडा में, और यहां पर बोलते हैं गुड़गांव की तरफ इसको वेस्टर्न पेरिफेरल, और इन दोनों नाम के मिलने से पहले इसको KMP बोलते थे, कुंडली मानेसर पलवल। ठीक है जी, क्लियर है। यहां राजीव चौक से 22 किलोमीटर चलेंगे, इस जगह का नाम है पचगावा। ठीक है जी, क्लियर। यहाँ से आप जब आगे चलेंगे तो आपको लगभग यहाँ से चल के 4 किलोमीटर चलेंगे तो आपको मिलता है बिलासपुर। ये इसका ध्यान रखना, बिलासपुर से हमें साइट पे कभी नहीं जाना, नहीं जाना, खास तौर से जब क्लाइंट हो तब। ठीक है, देखिए जो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी बात को समझिएगा, बिलासपुर से हमें इसलिए नहीं जाना क्योंकि बिलासपुर से जो एरिया है ना वो एकदम रूरल है, गांव का रास्ता है, जो भी लोग जाएंगे वहां तो उनको सब खेत ही खेत नजर आएंगे, गांव नजर आएंगे, गाय भैंस नजर आएंगे। ठीक है, और इस आप वापस आने को आ सकते हैं यहां से, लेकिन जाना नहीं है यहां से। ठीक है सर, यहां से और 3-4 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तब आपको एक कपड़ीवास जगह मिलेगी।
ठीक है, यहाँ से लेफ्ट होना है और ये इसको बोलते हैं भिवाड़ी बाईपास। ठीक है जी, जब आप इस पे चलेंगे तो आप दोनों साइड देखेंगे इंडस्ट्रियल एरिया है और ये जो एरिया है ये आपका लगता है राजस्थान में। ठीक है, BIDA भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत ये आता है। आप देखेंगे यहाँ पर छोटी बड़ी सारी मतलब छोटे बड़े स्केल पे फैक्ट्रियां इंडस्ट्रियां लगी हुई हैं, काम कर रही हैं आज से ही वर्किंग हालत में। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे आपको सारी चीजें मिलेंगी। यहाँ पर एक बढ़िया फेमस RPS पब्लिक स्कूल है, ठीक है, इसकी ब्रांच यहाँ भी है और CNG पंप है, ठीक है, पेट्रोल पंप है, मार्केट है, मॉल्स हैं, ठीक है, अपने हॉस्पिटल वगैरह क्या क्या होना चाहिए आप ही लोग बताओ मुझे। हॉस्पिटल स्कूल यही होने चाहिए, क्या होना चाहिए, अच्छा बताओ एक बार। हॉस्पिटल स्कूल मार्केट होनी चाहिए, इंडस्ट्री होनी चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, इंडस्ट्री होनी चाहिए, मार्केट होनी चाहिए, इंडस्ट्री होनी चाहिए, बैंक होना चाहिए, और बैंक पुलिस स्टेशन और रेलवे स्टेशन ब्यूटी पार्लर ब्यूटी पार्लर और स्कूल होने चाहिए। ठीक है, और बताओ कॉलेज पेट्रोल पंप भी होना चाहिए, पेट्रोल पंप हाँ ठीक है, ठीक है, देखो CNG पंप सब कुछ है। कहने का मतलब ये है कि मतलब हमारी आपकी जो भी जरूरतें हैं वो सारी हमें हमारी वहाँ पर फेज 4 के आसपास यहाँ के आसपास मिलनी चाहिए। पर्पस तो यही है ना, क्यों जाएंगे यहाँ से 65 किलोमीटर दूर भाई, इस क्यों का भी जवाब है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको वहां मिलेंगी आपके वॉकिंग डिस्टेंस में सारी चीजें। एक और बात बताता हूं, यहां से और यहां तक कितना डिस्टेंस था आपका, 5.5 किलोमीटर 6 किलोमीटर मार पकड़ा, 6 किलोमीटर मार। आपको पता है यहां से और यहां तक 12 स्कूल है? नहीं सर, थोड़ा साथ साथ चलते हैं ना। यहाँ पर 3 कॉलेज हैं, ठीक है, और 3 ही मेडिकल कॉलेज हैं, ट्रामा सेंटर है, सरकारी अस्पताल है, 7-8 यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे एम्स में बच्चे इंटर्नशिप करते हैं ना, यहाँ भी है भिवाड़ी में। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर बता रहे थे सर, किसी ने बताया था 700 मीटर लगभग। 700 मीटर कितना होता है, आवाज दोगे तो सुनाई देगी, देना बराबर है 700 मीटर लगभग आधा किलोमीटर से प्लस 0 किलोमीटर मान लो। मतलब इतना है कि अगर आप 500-700 मीटर अगर किसी को बुलाएं तो आवाज जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी, शोर शराबे में नहीं जाएगी, वैसे चली जाएगी। यहाँ से और यहाँ तक सर ये जो है ना ये 11 स्कूल सरकारी और गैर सरकारी। एक आप पे अगर 4 बच्चे हैं तो 4 ही स्कूल में पढ़ा पाओगे ना अलग अलग। ठीक है, अब आते हैं हम साइड पे। साइड पे जब हम मुड़ते हैं तो ये रोड हमारा कितना है, 50 और मेन एंट्रेंस हमारी कितनी है, 25। बाकी के सभी रोड कितने हैं, 20। और रेट क्या है, 750 यानी कि टोटल। और रजिस्ट्री है अपनी, कितने पैसे पे रजिस्ट्री करती कंपनी, 40% होगा कहीं भारत में इसके अलावा नहीं, और क्या चाहिए, यहाँ तो पहुंच गए। अब वापिस आने के कई रास्ते हैं, ये रास्ता जो है ना आपका राठीवास होकर के आता है, 15,100 रुपए प्रति महीना है। कोई भी नौकरी करने जाएगा तो 15,100 रुपया तो पाएगा ही पाएगा, इससे कम तो मिलेगा ही नहीं, इससे कम तो मिलेगा ही नहीं।
चलो बाकी तो बहुत सारी बातें हैं और सब भाई लोग बताएंगे। आइए सर, शुक्रिया। अच्छा देखिए, फ्यूचर प्लान मैंने आपको कुछ जरूरी जानकारी थी वो भी दे दी है। अब आगे का जो इंट्रोडक्शन है और कस्टमर प्लान है वो मैं अपने सम्मानित भाई साहब को बुलाना चाहूंगा, तो आप लोग सुनेंगे उन्हें या नहीं कंटिन्यू रखूं? मैं कैसे बुलाऊं उनको, कैसे बुलाऊं? चलो आपकी तालियों के बीच में चलो ठीक है, ये तो अपना अपना प्यार है। मैं बुलाना चाहूंगा आगे के काम के लिए हमारे सीनियर, हमारे गुरु, हमारे भाई साहब कुणाल जी को। कुणाल जी प्लीज आइए। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छा। चलिए आज हमें एक काम सौंपा गया, आज मैं पहली बार ये काम करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं कितने तरीके से मैं आपको इसको बता सकता हूँ, है ना। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम है कुणाल किशोर और मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ और पिछले 20-22 सालों से सिर्फ पढ़ा रहा था और यहाँ पर भी वही काम मिल गया लोगों को समझाने का, तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो जिस काम में थे वही कर रहे हैं, ठीक है। और मैं कस्टमर के साथ भी यही करता हूँ, उसको भी पढ़ाता हूँ और सिखाता हूँ। मतलब जो चीज़ अभी आपको मैं बताने वाला हूँ यही मैं अपने कस्टमर को भी बताता हूँ और वो उससे इंस्पायर होता है और इंस्पायर होने के बाद वो क्या करता है ना, टोकन लेता है, टोकन के बाद पार्ट पेमेंट कर देता है और पार्ट पेमेंट जब हो जाता है तो दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है और सुकून भी होता है। क्योंकि जब तक आप सिर्फ एक टोकन कराकर छोड़ देते हैं ना तो मजा नहीं आता। और अभी कल की बात है, कल एक इस तरह की बात है कि भाई टोकन वापस हो रहे हैं। टोकन क्या हो रहा है वापस, हम वहाँ पे क्या करते हैं कि लोगों को जाते हैं कन्विंस करते हैं, ठीक है। और वो जब छोले चावल खा रहा होता है उसमें कहता है अरे 2100 रुपये दे तो दो, नहीं पसंद आएगा तो 5 दिन में वापस ले लेना, 6 दिन में वापस ले लेना। हम उसको क्या कहते हैं 6 दिन में वापस ले लेना। उसके माइंड में वही होता है कि अभी जिद कर रहा है कि दे दो 2100 रुपये, घर जाएंगे कहेंगे वापस ला लो। और कस्टमर वापस नहीं आता है, कस्टमर क्या करता है वापस नहीं आता है और क्या आपको कह देता है कि मेरा वापस लेके आ जाना। ऐसा ही होता है ना, ऐसा होता है या नहीं होता है? आज से ये वाला चीज नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम करेंगे क्या, उसके लिए हम करेंगे क्या, हमारा जो हमने बड़ी मेहनत के साथ ना पहले तो 4 दिन उसको फॉलो करते हैं कि भाई साहब संडे याद है ना, संडे याद है ना 9 बजे तैयार रहना, 9 बजे तैयार रहना, ठीक है। 4 दिन 5 दिन से उसको फॉलो करते रहते हैं 5वें दिन वो चला जाता है हमारे साथ, पर जाने के बाद क्या होता है वहां पर वो देखता है समझता है, ठीक है। दो चीजें होती है, जब हम रास्ते में जा रहे होते हैं ना तो हम उसे तरीके से बता नहीं सकते कि यहाँ पर ये वाला चीज है, यहाँ पर ये वाला चीज है, यहाँ पर ये वाला चीज है, यहाँ पर ये वाला चीज है। जब यहाँ से तुम घुसोगे तो इस जगह पे 11-12 स्कूल है ना, हम बता नहीं सकते यहाँ पे क्या ये है, इस जगह सामने में फैक्ट्रीज है, ठीक है, पीछे भी अभी ठंडन आवाज आती है, पीछे भी फैक्ट्रीज लग रही है ना, हम ये चीज उसको बता नहीं पाते। जब हम बता नहीं पाते हैं, ठीक है, हमारा सिर्फ माइंड ये रहता है कि कैसे भी 2100 रुपए का टोकन करवा ले, हमारा माइंड ये। जब हम कस्टमर को लेके जाते हैं ना माइंड में किस सेट होता है कैसे भी पकड़ के 2100 रुपए से ले लेना है, ठीक है। आप अभी 2100 ले लो और 5 दिन के बाद वो क्या करेगा 2100 रुपए वापिस ले लेगा। यही हो रहा है ना सर, ऐसा कुछ हो रहा है कि हमारे साथ, हमारे साथ आपके साथ हो रहा है, ठीक है। बड़ी जोश के साथ उस दिन बड़ा खुश हो जाते हैं और उसके बाद बड़ी निराशा होती है, तब टोकन वापस होता है। तो टोकन वापस नहीं होगा, कब वापस नहीं होगा ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब आप उसके साथ गाड़ी में बैठेंगे, ठीक है, और गाड़ी में बैठते ही एक पेप्सी की बोतल और 2-3 कुरकुरे के पैकेट्स खरीद लेंगे, ठीक है, और खाते हुए चलेंगे और उसको बताते हुए चलेंगे, क्या करेंगे खाते हुए चलेंगे और बताते हुए चलेंगे, ठीक है, कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप अगर ऐसा काम कर रहे हैं, और देखिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट जो होता है ना सबसे गजब का इन्वेस्टमेंट होता है, वो आपको तो फायदा देता ही देता है, आपके आने वाले वंश को भी वो क्या करता है
उन्नत बनाता है। तो सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा सजेशन दूंगा कि आप अपना, अगर अभी तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो आप अपना इन्वेस्ट कीजिए, बेशक से 50 गज का प्लॉट वहाँ पे ले लीजिए। अरे यही से कमा के थोड़े थोड़े दे देंगे उसको, ठीक है। और जब आप 50 गज का भी प्लॉट वहाँ पे अपने नाम का ले लेंगे तो सबसे पहले आप बता सकते हैं कि ये वाला प्लॉट ना ये वाला मेरा है, और वो लाल कलर में होने चाहिए कम से कम। अगर ये नहीं हो पाया लाल कलर में होना चाहिए, क्योंकि लाल कलर में होते ही उसपे आपका नाम दिख जाता है। दिखता है या नहीं दिखता है? तो आप उसको दिखाइए, ये देखो रेड कलर में ये मेरा नाम आ रहा है, ये वाला प्लॉट मेरा है, जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ ये वाला मेरा प्लॉट है। अब जो आपके साथ जा रहा है उसको कैसा लगेगा? अरे इसने ले लिया मैं भी, है ना। और उसके बाद आपका टोकन वापस नहीं जाएगा, एकदम ईमानदारी की बात है। मैं अपने क्लाइंट के साथ ऐसे ही करता हूँ, मेरे नाम का प्लॉट रेड कलर का है, आप देख सकते हैं B54 देखिए, मेरी वाइफ का नाम है नीतू सिंह, आपको दिखेगा, आप देख सकते हैं उसमें B54 रेड कलर में, सॉरी B55 नंबर गलत हो गया, B55 ठीक है। तो चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि आप कस्टमर को कैसे बचा सकते हैं, आपका कस्टमर कैसे टोकन वापस नहीं करेगा। अगर आप उसको प्रॉपर एक एक चीज के बारे में, जितना चीज आपको वीर ने यहाँ पर बताया वो सारे चीज आप उसको बताते चलते हैं। ये देखिए, ये जो रोड मैप बताया जाता है ना, इसके पीछे यही एक कारण है। अदरवाइज आप टैक्सी में ना आँख बंद करके सो जाएंगे, ड्राइवर को पता है कहाँ ले जाना, वो ले जाएगा या नहीं ले जाएगा? ले जाता है, हमें बताने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। लेकिन ये सारा चीज आपको इसलिए बताया जाता है बार बार कि आप अपने क्लाइंट को जब लेकर जाते हैं उस समय आप उनको ये सारी बातें बताते चले, है ना। और ये इसलिए बार बार रिपीट किया जाता है कि आपके माइंड में सेट हो जाए, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पर बेच क्या रहे हैं, मैं कहता हूँ बेचना नहीं है, खरीद लेना है। आप खरीद लीजिए, सामने वाले को भी बोलिए खरीद लेना है, ठीक है। बेचने की तो बात ही नहीं करते। क्योंकि जैसे हम बेचने की बात करते हैं ना, उसको लगता है कि कुछ ना कुछ ये लेके जाएगा। जब हम खरीदने की बात करते हैं तो कहता है अच्छा चलो कुछ तो कुछ आ रहा है ना। जब हम जाते हैं दुकान में, वहां पे हम पैसे दे रहे होते हैं, कभी हम कहते हैं कि हम पैसे देने जा रहे हैं दुकान में, हम जाते हैं तो कहते हैं कि हम शर्ट खरीदने जा रहे हैं, सामान खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। वैसे अगर हम प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, बेचने नहीं जा रहे हैं, है ना, हम खरीदने के लिए जा रहे हैं। जब हम खरीदने के लिए जाएंगे तो कुछ ना कुछ खरीद के तो आएंगे ना। तो फिर उसके बाद रेयरेस्ट रेयर केस होता है जब हम दुकान में पेंट साइज का देख करके ले आता है, बाई चांस वो कभी फटा या कभी कटा या कभी छोटा निकल आता है तो वापस करने जाते हैं, अदरवाइज हम वापस नहीं करते हैं। तो सेम चीज जब आप उसको प्रॉपर वे में सारा चीज बढ़िया से दिखाते हुए जाएंगे तो वापस होने के चांसेस नहीं के बराबर है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर बेच रहे हैं, कहते प्लॉट। कितने टाइप के प्लॉट्स हैं हमारे पास? थ्री टाइप्स ऑफ प्लॉट, है ना। तीन तरह के हैं। सबसे पहला तो हमारे पास दुकान है, है ना, शॉप्स कहते हैं ना उसको, दुकान। अच्छा, दुकान कितने कितने साइज के हैं बता सकते हैं क्या? 50 गज का कौन सा दुकान हो गया? 32 गज। अच्छा यहाँ देखिएगा, 25 गज में दो तरह के हैं, एक कॉर्नर का है और एक बीच का है। जो कॉर्नर वाले प्लॉट है दुकान के, जो 25 गज के या 32 गज के, दोनों का रेट, दोनों का 25 गज भी है और 32 गज भी है, ध्यान दीजिएगा, 25 गज भी है और 32 गज भी है, दोनों का रेट कितना है? 9 लाख। 25 गज हो या 32 गज हो, अगर वो एल टाइप का शॉप है, एल टाइप का शॉप है तो यही वाला रेट है, ठीक है। और इसमें कोई भी किस्त नहीं है, टाइम आपके पास 3 महीने का होता है, ठीक है। दूसरा इसमें जो है, दूसरा है 25 गज और वो है सिर्फ एक साइड, ओनली वन साइड, इसका कीमत कितना है? 7 लाख रुपए। इस वाले का भी आपको कोई किस्त नहीं होता है, ठीक है, आपको वन टाइम पेमेंट करना है। दुकान की बात खत्म हो गई, इसमें किस्तें नहीं है, तो ये जिनके पास इकट्ठा मोटा पैसा है वही ले सकता है, बाकी सारे लोगों के लिए नहीं है। मेरे जैसे लोगों के लिए खास करके नहीं है, क्योंकि मैं तो किस्तों में ही जीता हूँ, है ना सर, क्रेडिट कार्ड पे जीने वाले लोग हैं ना।
चलिए अब आगे की बात करते हैं, जहाँ से आप कमा सकते हैं और आपके कस्टमर ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी दो तरह के प्लॉट है हमारे पास। कितने तरह के प्लॉट है? दो तरह के। एक है हमारे पास एल, ठीक है, जो कि अब नहीं के बराबर बचा हुआ है, बहुत कम बचा है, ठीक है। इसका कीमत है 8,500, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है वन साइड, इसका कीमत है हमारे पास 7,500, जो कि कुछ ही दिनों में बढ़ जाने वाला है, क्योंकि अब इनकी भी संख्या कम हो रखी है। तो ज्यादा से ज्यादा इस संडे आपका टारगेट होना चाहिए जो भी खाली बचा हुआ है ना, वो आपके कब्जे में आ जाए, क्योंकि जो अगला वाला प्रोजेक्ट आने वाला है, अब आप देख लीजिए उसमें कितने हरे कलर के प्लॉट हैं, बहुत कम बचे हुए हैं। वो सारे हरे अगर हम लोगों ने एक्वायर कर लिया तो हम लोग सस्ते में रहेंगे, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अगली बार कुछ महंगा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है। चलिए तो हम इस वाले की बात करते हैं। अब यहाँ पर आप अगर खरीदते हैं, हम तो खरीदने की बात करते हैं, हम तो बेचने की बात करेंगे नहीं, हम खरीदने की बात करते हैं। अगर आप खरीदते हैं एक प्लॉट, ठीक है, मान के चलिए कि आपने एक 50 गज का, मैं छोटे प्लॉट की बात करूंगा क्योंकि आप 110 गज वाले प्लॉट से वहाँ बच्चे भी कम है, ठीक है। अब आपको 50 गज का एक प्लॉट वहाँ पे मिलने वाला आसानी से, ठीक है। अगर आप एक 50 गज का वहाँ पे प्लॉट खरीदते हैं और उसका कीमत क्या होता है 7,500 होता है, तो टोटल कीमत क्या हो जाने वाला है? 3,75,000, यही वाला, ठीक है। अच्छा, अभी किनके किनके बैंक में ये 3,75,000 रुपए पड़े हुए हैं? जिनके पास पड़े हैं वो इकट्ठे ले लीजिए, है ना, जाइए फटाफट दे दीजिए। अच्छा, जब आप इकट्ठे देंगे तो आपको कुछ तो फायदा होने वाला है ना, क्या फायदा होगा वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और अगर नहीं है इकट्ठे तो आप कैसे लेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलिए, अगर आपके पास इकट्ठे हैं तो कंपनी कहती है, ध्यान से समझिएगा, कि अगर आपके पास इकट्ठे पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, आपको बैंक कितना रिटर्न दे रहा है उस पर? 7.5% अगर आपने फिक्स डिपॉजिट में रख रखा है, और अगर आपने उसको सेविंग में रख रखा है तो लगभग 3.5% से 4% यही दे रहा है रिटर्न, ठीक है। दो साल में इसका रिटर्न देख लीजिएगा कैलकुलेट करके कितना होता है, ठीक है। और अब यहाँ पे दो साल का रिटर्न आप ऐसे आंख से देख सकते हैं, दो साल पहले उस एरिया में जो कॉलोनी इकट्ठा हुआ है उस कॉलोनी में चले जाइए और उनसे पूछिए कि भाई साहब आपने कितने का लिया था, ठीक है, पर आप दोबारा कुछ बेचोगे तो कितने का बेचोगे, आपको अपने आप अंतर पता चल जाएगा, क्योंकि उसके आसपास बहुत सारी नई कॉलोनियां ऑलरेडी पहले से कटी हुई है। सामने ऐसे आप देखेंगे ना, उधर 8-10-20 घर दिखेंगे, इधर देखेंगे तो 25-30 घर दिखेंगे, दिखता है या नहीं दिखता है? सारे के सारे नए कॉलोनी है जो 2-3-4 साल में डेवलप हुआ है। अच्छा, जब 2-3 साल में वो डेवलप हो सकता है तो हमारा वाला होगा या नहीं होगा? पक्का, ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पर अगर आपके पास पूरा का पूरा पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो बैंक से निकालिए और सीधा यहाँ पर डाल दीजिए, 100% पेमेंट कर दीजिए। 100% पेमेंट करते ही कंपनी आपको क्या करती है, रजिस्ट्री जो है ये दे देती है फ्री। रजिस्ट्री कैसा हो जाता है? बिल्कुल फ्री। अच्छा, 50 गज की रजिस्ट्री कराने में कितना खर्चा आने वाला है? 25,000 ही मान लेते हैं, तो आपको बच गया 25,000 रुपया, बेनिफिट हो गया। ये 25,000 रुपया आपने क्या किया? बचा लिया। मैं हमेशा बचाने के ऊपर ध्यान देता हूँ, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं जब भी बात करता हूँ तो बचाने की भी बात करता हूँ। तो यहाँ पर आपने कितने बचा लिए? 25,000 रुपया बचा लिए, ठीक है। अगर आप इस वाले पैसे को बैंक में रखेंगे ना, तो 2 साल में इस पर 25,000 रुपया नहीं आएगा, पक्का एकदम श्योर रहिए नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर आपका ये 25,000 बच रहा है, और साथ में जो 2 साल में आपकी जमीन का रेट बढ़ेगा वो तो बढ़ना ही बढ़ना है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम दूसरी बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ रजिस्ट्री मिलने वाला है क्या? इसके अलावा और कुछ मिलेगा क्या? मोटेशन मिलेगा। अच्छा, मोटेशन क्या होता है? दाखिल खारिज है ना। आप जब जाएंगे क्या कहते हैं तहसील, और वहां पर जाकर आप बताएंगे, ठीक है, तो वो आपको एक रिकॉर्ड निकाल कर दिखा देगा और कहेगा हाँ तुम्हारा नाम इस जमीन पर है। सिर्फ रजिस्ट्री होने से आपके जमीन पर नाम नहीं आ जाता है, ठीक है। जब दाखिल खारिज होता है तब उस जमीन पर उस खाता उस खसरे नंबर पर आपका नाम आता है, उसके पहले उस पर नाम नहीं आता है, ये ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं। अच्छा, सिर्फ मोटेशन मिलने वाला है और रजिस्ट्री मिलने वाला है क्या? इसके अलावा और कुछ मिलेगा क्या? कब्जा। कब्जा करके क्या करेंगे आप? कुछ भी कर लीजिए, आपका जमीन है, 4 पैड लगा दीजिए उस पर, ठीक है, 4 साल उस पर घर नहीं बनाना है, 4 पैड लगा देना है सफेदा का, 4 साल कटवा लीजिएगा, देखिएगा कितने पैसे आते हैं। मैं तो पेड़ लगा, ठीक
ठीक है, जब तक उसको बेचने का इरादा ना हो चार सफेदा का पेड़ उस पर लगवा दे। चलिए अब दूसरा यहाँ पे बात करेंगे दूसरा, ठीक है। अब मान के चलिए कि आपके पास पैसे नहीं है, कितने 100% मतलब 375,000 नहीं है, तो अब कंपनी कहते हैं कि भाई फिर भी आपके लिए हमारे पास व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है कि आप सिर्फ 40% कितने परसेंट 40% जमा करा दीजिए, ठीक है। कितने दिन में? अच्छा यहाँ पे मैंने दिन की बात नहीं करी थी, है ना, ऊपर वाले में मैंने दिन की बात नहीं करी थी। जब पैसे पड़े हुए हैं तो दिन क्या देखने, जब पैसे पड़े हुए हैं तो दिन क्या देखने, आज के आज सारा चीज करा के निपटा लेंगे। लेकिन फिर भी कहते हैं कि आप यहाँ पे 90 days ले सकते हैं, 90 दिन यहाँ पर आप ले सकते हैं पहले वाले केस में। चलिए दूसरे वाले केस में यहाँ पर कहते हैं सिर्फ 30 days, ऐसे अगर 2-4 दिन आगे पीछे हो जाएगा तो दीपक सर संभाल लेते हैं, ठीक है। तो दीपक सर के लिए जैसे कि मान के चलिए आपके क्लाइंट को या आपको, ठीक है, आप 30 दिन के अंदर 40% नहीं कर सकते हैं, तो ये मतलब थोड़ा स्लो बोलने वाला बात है, ठीक है, कान में, लेकिन मैं थोड़ा हॉल में हूँ तो जोर से ही बोलूँगा, है ना, कि अगर आपके पास बाई चांस नहीं हो पाता है तो थोड़ा सा दीपक सर संभाल लेते हैं, उसको आगे पीछे करवा देते हैं, ठीक है। मेरे साथ भी करवाया था इसलिए सर को बोल बोलते हैं। लेकिन इस बार फ्री नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने इकट्ठे पैसे तो दिए नहीं, है ना, तो आपको यहाँ पर इस बार फ्री नहीं होने वाला है, इस बार आपको खुद से देना पड़ेगा ये वाला 25,000 रुपया। आप 40% दे दीजिए 25,000 के साथ, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड, ठीक है, और फोटोज काउंटर पे जमा करवाइए, अगले शुक्रवार को आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। 40% देना है, साथ में अपना आधार कार्ड पैन कार्ड फोटो काउंटर पर जमा कराना है 25,000 के साथ, अलग से आपको रजिस्ट्री अगले शुक्रवार को, क्योंकि प्रत्येक शुक्रवार को क्या होता है, अब फेज 4 का अपना रजिस्ट्री होता है, ठीक है। बाय चांस किसी कारण से वो आगे पीछे एक आध हफ्ता चल सकता है, लेकिन प्रत्येक शुक्रवार को जाता है। चलिए अब यहाँ पर बात आते हैं कि 40% तो हमने दे दिया, कंपनी ने रजिस्ट्री दे दिया, मोटिवेशन दे दिया, साथ में कब्जा भी दे दिया, ठीक है, अब कौन कंपनी को पैसा देने वाला है, मैं तो नहीं दूंगा, काम हो गया है ना, मेरा तो सारा काम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे रजिस्ट्री कराते हैं तो कंपनी कहती है कि आपको EDC देना है। क्या देना है? पोस्ट डेटेड चेक, आपसे 3 चेक या 4 चेक ले लिया जाता है, ठीक है, और उस चेक के भी आपके वो आपसे पैसे बाद में धीरे धीरे वसूल करते रहता है। कितने दिन में जी? 2 साल में, 24 months में, ठीक है। तो हमारा पैसा बचा कितना था? 60% जो कि होता है 2,25,000, 2,25,000 रुपए ये वाला पैसा आपको देना है। कितने महीने में? 24 महीने में। तो 1 महीने का किस्त कितना बनेगा? 9,375 में 24 कीजिएगा आपको ये वाला पैसा। इससे एक चीज पता चला कि भाई अगर हम एक मोबाइल भी खरीदते हैं, यहाँ से आप लोगों ने मोबाइल तो कम से कम किस्तों पे लिया ही होगा, चाहे कुछ लिया हो या ना लिया हो, मोबाइल तो हम किस्तों पे ले ही लेते हैं, क्योंकि दुकान में लिखा रहता है लोन पे फोन, है ना, हम जाते हैं और फटाक से एक मोबाइल ले लेते हैं और बाद में उसकी किस्तें भरते रहते हैं। अगर एक किस्त बॉन्स का जाता है, जैसे मान के चलिए हमने 10,000 का मोबाइल खरीदा, 2,000 रुपया हमने दे दिया, 8,000 का हमने 8 किस्तें बना लिया, 1,000 रुपये का किस्त यही हो जाता है ना लगभग। अगर एक किस्त हमारा किसी कारणवश टेक्निकल एरर के कारण से भी अगर बॉन्स कर जाता है तो हमें क्या क्या देने पड़ते हैं पता है आपको? सबसे पहले तो 700 रुपया बैंक काट लेगा, ठीक है, 700 रुपया जिससे हमने मोबाइल जिससे लिया है वो काट लेगा, है ना, मतलब कि शॉप मान के चलिए जिसको हम शॉप लिख देते हैं या फिर जो लोन दे रहा है वो, ठीक है, 1400 रुपया, और साथ में इसके ऊपर पेनल्टी लगाएगा, अप्रोक्स 300 से 500 रुपये लगाते हैं, मैं 300 रुपये ही लगा देता हूँ, 7 × 7 = 14 और 3 कितना जाते हैं? 1700 रुपया किस्त कितने का था? अब कितना आपको पे करना पड़ेगा? 2700 रुपया, ठीक है, नहीं दीजिएगा मोबाइल लेके चला जाएगा छीन करके, ठीक है, आपके ऊपर केस लग जाएगा, आपका सिविल खराब हो जाएगा, ठीक है, अगली बार आपको 5,000 रुपया भी लोन नहीं मिलेगा।
सारा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। चलिए अगर अब यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, हम इसके बारे में देखिए बिल्कुल पॉजिटिव चीज आपको बताने वाला है, ध्यान से समझिएगा ठीक है। अगर यहाँ पर किसी कारणवश से आपके पास 9375 नहीं हो पाता है, सिर्फ आपके पास 9000 रुपए होते हैं, और जैसे इसमें क्या होता है ना, एक डेट फिक्स होता है कि आपको 3 तारीख को, जैसे 3 एवरी मंथ 3 को या 5 को, ये 2 डेट होते हैं ज्यादातर, 3 और 5 को, ये 3 और 5 को ही जमा करना है। 6 हो गया तो ये पेनल्टी लगेगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास पूरा का पूरा 1 तारीख से 30 तारीख का डेट होता है, आप इस डेट के बीच में कभी भी जमा कीजिए ठीक है, आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगता है। दूसरा, ये तो पहला बात था कि कोई पेनल्टी नहीं लगने वाला है। अब इसके बाद आपके पास 9375 रुपए नहीं हो पाते हैं, ध्यान से समझिएगा, 9375 नहीं हो पाता, आपके पास सिर्फ 9000 है, तो आप सिर्फ 9000 दे दीजिए, कंपनी ये नहीं कहती कि 375 कम रह गए, वो ये आपसे नहीं बोलेगी। दूसरा, अगले महीने आपके पास 11000 हो जाता है, 11 जमा कर दीजिए, उसके अगले महीने आपके पास 15 हो जाता है, 15 जमा कर दीजिए, उसके अगले महीने 3000 होता है, आपके पास 3 जमा कर दीजिए, है ना गजब का जी। इस तरह का इंस्टॉलमेंट तो अपना सगा भाई भी नाते, अगर हमने उसको कह रखा है 15 तारीख को 5000 देंगे, और अगर हमने उसको गलती से 4.5 पकड़ाया तो गुस्सा जाएगा, कहेगा 500 कम दे दिए, है ना, तुमने से इतने का प्रॉमिस किया था, मेरा ये वाला काम बिगड़ जाएगा तुम्हारे इस कारण से, यही कहेगा ना वो, कहेगा। यहाँ पर आपको वो भी टेंशन नहीं है, तो आप अपने लिए प्लॉट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, जब इतना फ्लेक्सिबिलिटी है तो हम अपने लिए तो एक ले ही सकते हैं, दूसरे को देना है वो अलग की बात होगी, पहले हम अपने लिए एक तो ले ही सकते हैं। चलिए अब इसके बाद की बात करते हैं कि बाय चांस क्या होता है ना, कभी कभी हमारे पास 1.5 लाख रुपए भी नहीं होते हैं, और हमको लगता है कि 1.5 लाख कह रहा है 1 महीने के अंदर तो हम नहीं दे पाएंगे, अब क्या करना है, तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, तीसरा एक और ऑप्शन आपको दिया जाता है कि आप जो है इस 40% को ना देकर आप सिर्फ 30% दे दीजिए, कितना दे दीजिए 30%, तो ये जो है 3,75,000 का 30% कितना बनता है, 1,12,500 रुपये, ये वाला चीज यहाँ पर आपको देना है ठीक है। इसको देते ही कंपनी आपको कहते हैं कि आपका अगर जी करता है कि भाई हमने इतने पैसे दे दिए हैं और आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप कंपनी से एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवा सकते हैं, इसका खर्चा 1500 रुपए का वो आपको ही देना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास आपको नहीं था, सही बात ठीक है। अगर आप विश्वास कर लेते हैं ठीक है, और आप 1500 बचाना चाहते हैं तो बचा लीजिए, और आगे क्या करना है अब वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम ये वाला पैसा दे देते हैं तो हमारा जो पैसा बच जाता है वो कितना बच जाता है, 70% बच जाता है ठीक है। 70% आपका जो पैसा बच जाता है, 70% किस्त बना सकती है कंपनी, और किस्त कितना होता है 10,938 रुपया, यही है ना, हाँ 24, इसको जरा इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मेरे ख्याल से 5-6 रुपया फालतू बनता है, क्योंकि ऐसे 10,938.50 रुपया एग्जैक्ट बनता है, तो 50 पैसा फालतू हो रहा है, तो वो लगभग जो है 12 रुपया आपका एक्स्ट्रा पड़ेगा, क्योंकि 24 महीना है ना, तो 12 रुपया यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा पड़ रहा है 38 के हिसाब से, लेकिन आपको वो 12 रुपये फालतू देना नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर पहले ही शो कर देगा 12 रुपये देने से पहले कि आपका क्या हो गया है, पूरा का पूरा जो कॉस्ट था वो पे हो चुका है, समझ रहे हैं बात को, क्योंकि सारा यहाँ कंप्यूटर है। तो अब इस वाले पैसे को वही सेम चीज यहाँ पर भी है कि जब हमने ये वाला किस्त जैसे दे रहे थे वैसे इस वाले किस्त को भी देंगे, वही 24 महीने में दे रहे हैं ठीक है, 24 महीने में देकर आप उसको पूरा कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये वाला पैसा मैं दे रहा हूँ, इस वाले पैसे को कितने बार दूंगा कि ये वाला जो है इस अमाउंट से बढ़कर के इस अमाउंट में चले जाएगा, ये था 1,12,500, 1.5 लाख में कितने बार में कन्वर्ट हो जाएगा, अप्रॉक्स 3 से 4 बार, 3 से 4 बार में, आपने आप चाहे तो 2 बार में कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3 से 4 बार में ये वाला अमाउंट बढ़ करके ये वाला हो जाएगा। जैसे आपका 40% हो जाता है, जैसे आपका 40% हो जाता है, कंपनी से आप ले लीजिए रजिस्ट्री, आप ले लीजिए मोटेशन, और कब्जा तो पहले ही दिन जिस समय आपने कहा था ये वाला मेरा प्लॉट है उसी दिन आपको मिल चुका है। अच्छा, ये तीन
तरीके से आप यहाँ पर प्लॉट ले सकते हैं, लेकिन एक उड़ता उड़ता हुआ और मेरे पास खबर आया कि आप चौथे तरीके से भी प्लॉट ले सकते हैं। आप चाहें तो इकट्ठे एक बार में, जैसे कि ये 3,75,000 होता है ना, लेकिन उसके लिए आपको दीपक सक्सेना से बात करना पड़ेगा, ठीक है? वो पावर उनके पास है और उनके बगैर इजाजत के मैं बता भी रहा हूँ, बाद में सही है नहीं सर, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे कि मान के चलिए कि आपका 3,75,000 होता है और आप इकट्ठे पैसे नहीं दे पा रहे, आपको लगता है कि नहीं भाई ये एक ये वाला 2,25,000 ये क्या कहते हैं क्या सॉरी 1,50,000 या 1,12,500 ये हमारे पास नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इस वाले को डिवाइड कर दीजिए 24 से। क्या कर दीजिए? इस वाले को डिवाइड कर दीजिए 24 से। कितना होता है? 15,625 गुने में 24 महीने, ठीक है? 15,625 रुपए का किस्त बनाकर आप 50 गज का मालिक बन सकते हैं। नहीं है, चलिए बता देते हम भी ले लेते 10 करोड़। हाँ ले लीजिए ना सर, सिस्टम से आप ये कंडीशन नहीं है। नहीं, हमने उड़ता उड़ता खबर सुना था, हमको भी किसी ने बताया था, इसलिए हमने आगे बता दिया, ठीक है? लेकिन ये नहीं है, दीपक सर ने यहाँ पर डिनाई कर दिया, ये वाला नहीं है। चलिए ठीक है, अगर होता तो वही ओके कर देते, ठीक है? कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास से मिस इन्फॉर्मेशन आ जाता है, मेरे पास भी आ गया तो मैं भी ऐसा सोच रहा था, लेकिन वो वास्तव में नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर ये क्लियर भी हो गया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? जैसे कि आपने देखा कि अभी तक हम भी कुछ कुछ गलतियाँ करते आ रहे थे, ठीक है? हम भी आते थे तो हम भी किसी के केबिन में जाकर बैठ जाते थे, किसी से भी बात कर लेते थे, ठीक है? अब हमारे पास एक सूचना आ गया कि भैया ऐसा नहीं करना है, तो हम भी कल से ऐसा नहीं करें, है ना? तो जब तक हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं होता, हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो सही इन्फॉर्मेशन आ गया, हमने सही डिसीजन लेना है, आज से हम सारे चीज सही करेंगे। और कोशिश कीजिए कि आप इसके द्वारा आप अपने तरीके से जैसे समझा सकते हैं वैसे समझाइए, और आपका टोकन वापस नहीं होना चाहिए, बस इसी एक चीज पर आपको फोकस करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को मैं समाप्त करता हूं। आगे के कार्यवाही के लिए मैं अपने प्यारे भाई को बुलाना चाहूंगा स्टेज पर। दिलीप, आपका बहुत स्वागत। साथियों नमस्कार। नमस्कार। आवाज नहीं आई मेरे को, कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैम हर बारी डिफरेंस हो रहा है ना, हर बारी प्लान को चेंज कर रहे हैं ना, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। लखपति बनना चाहते हैं आप? यस। खाली है? खाली है। कितने लोगों को याद रहा, किस कितनी होती है, नए लोग जितने बैठे हैं, किस कितनी होती है सर 1,50,000 देने के बाद, किसको पता है? नए लोगों में, जितने नए लोग हैं, तो सर इसको खाली नहीं रखिएगा ना, कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे कोई भी आए, कुछ भी लेक्चर दे जाए, कुछ भी बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ना। मैं नोटिस कर रहा था, कोई फोन में लगाए, कोई कुछ, सर ये हमने अपने लिए नहीं बैठे हैं, हम आप लोगों के लिए बैठे हैं। अगर हम कर रहे हैं ना, मैं आपको लास्ट में उन अचीवरों से भी मिलाऊंगा जिन्होंने एक एक महीने में यहाँ से 15,00,000-20,00,000 रुपए भी कमाए। विलीव होता है क्या? होता है क्या विलीव? लेकिन होगा सर जब आप इसको अंदर जाने दोगे, बगैर जाए कुछ भी होने वाला नहीं। तो सर अब आगे यहाँ लाखों रुपए आ सकते हैं, जानना चाहेंगे? Yes. कैसे लाखों रुपए आएंगे? Yes. किस किस का खाली है? खाली है। हमारी साइड कहाँ है सर? कोई ना बताएंगे, नया साइड का है, आप नए बताएंगे साइड का है हमारा? सोना। सोना में कहाँ जगह बताई थी वीर जी ने? जगह बताई थी वो यार। सर वही मैं कह रहा था, देखिए अगर यहाँ कोई आ रहा है ना, वो अपना 100% दे रहा है, और आप लेके पता क्या जाएंगे? सिर्फ 1%। किसी ने कहा राम स्कूल जाता है, क्या क्या हो रहा है? राम स्कूल जाता है। आपने कहा राम स्कूल कभी गया था? वो जाता था, और आपने क्या कर दिया? गया था। बड़ा फर्क हो गया। तो जब आप उसको बता रहे होगे ना कि लाख रुपए आएंगे, वो कहेगा यार तू तो कमा ले, आपको खुद भी नहीं होगा, क्योंकि ये सिस्टम आपके समझ में आया नहीं। पर असली मेरी बात का बुरा मत मानिए ना, मैं वो चीज समझाना चाह रहा हूँ, वो चीजें आपके माइंड में डालना चाह रहा हूँ। तो चले सर हम इनकम की तरफ, जानने के लिए तैयार है आप? सीमा मैम ये प्लान पूरा याद है? सर, अभी जो सर ने दिया आपको पूरा याद है?
हंड्रेड परसेंट यहाँ होगा क्योंकि सेल होगा तो इनकम आएगी, अगर सेल नहीं है तो इनकम नहीं आएगी। जो नौकरी करते हैं वो नौकरी पे जाएंगे तो इनकम आएगी, नौकरी पे नहीं जाएंगे तो इनकम आएगी क्या? नहीं आएगी। तो सर इसको सीखना, और इसको सीख गए आप, इसको दिमाग में बैठा लिया आपने, तो आपकी जिंदगी में 360 डिग्री का यू टर्न आ सकता है। तो सेल जब हम करेंगे सर, तो ब्रीफील्ड कहती है आप सेल कीजिए, एक ही काम करना है आपको सेल, और हम गारंटी देते हैं आपको चार प्रकार की इनकम देंगे। सर चार प्रकार की इनकम। अच्छा, एक पेन बेचने के बाद कितने बार इनकम आएगी? एक बार। समझ रहे हैं मेरी बात को? यस। बिल्कुल सहमत है? यस। अगर मैंने एक पेन को बेचा कितने बार इनकम आएगी मुझे? एक बार। और सुप्रीम फील्ड क्या कह रहा है? चार बार। विश्वास होता है क्या? विश्वास है। विश्वास होता है। अकाउंट होगी क्या? नहीं होगा। कितने दिन पे अकाउंट होगी? 1,12,500। जैसे ही 1,12,500 हमारा क्लाइंट देगा, वो हमारी सेल काउंट हो जाएगी। क्लियर है ये? समझ में आया? हमारी इनकम जब जनरेट होगी वो होगी इस पे, सेल पे। जब तक हम किसी प्लाट को बेचेंगे और 30% पैसा अपने आप या अपने क्लाइंट से नहीं दिलवाएंगे, जब तक हमारी सेल काउंट नहीं होगी। अगर आप यहाँ 30% पेमेंट दिलवाते हैं तो यहाँ आपको कमीशन जो है तीन बारी में रिलीज होगा। 40% आप पेमेंट दिलवाते हैं तो आपकी दो मंथ में कमीशन रिलीज होगी, और 50% आप पेमेंट दिलवाते हैं तो एक बारी में कमीशन आपका रिलीज हो जाएगा। सेल क्लियर आ गया समझ में? यस। अब मैं लेके चलता हूं आपको इनकम पे, ठीक है? सेल कितने को कहते हैं सर? 30%। और एक यूनिट बराबर? चलिए यूनिट बाद में बताऊंगा मैं आपको, यूनिट है क्या, ये किस बीमारी का नाम है, ये क्या भला है, खूबसूरत है या खूबसूरत है या बेवफा है, ठीक है? चलिए सर आगे लेके आता हूं। अब मैंने कहा कि सुप्रीम फील्ड कहती है जी आप एक सेल करो और हम चार प्रकार की आपको इनकम देंगे। कई लोगों को अभी बिलीव नहीं हो रहा, उनके विश्वास की तरफ चलता हूं, पहली इनकम की तरफ। अब एक एग्जांपल लेते हैं 7,500 का, क्योंकि कुणाल जी ने भी कहा कि एल टाइप हमारे पास बहुत कम है, वन साइडेड है, तो 7,500 का एग्जांपल लेते हैं। हमने 100 गज का प्लाट बेचा तो कितनी कीमत होगी सीमा मैम? 7,50,000 रुपए हुई, और इसका अगर हम 30% निकालेंगे तो कितना होगा जी? 2,00,000। नोटिस मैंने कहा मैं पढ़ा लिखा कम हूँ लेकिन नोटिस बड़ी जल्दी करता हूँ। आपको बिलीव नहीं था कि वो व्यक्ति ऐसा होगा, तो यार बिलीव करना कौन कब क्या कर सकता है, मैं कहना बड़ा मुश्किल है। इतिहास बनता है पढ़ने के लिए या तोड़ने के लिए? इतिहास बनता है पढ़ने के लिए या तोड़ने के लिए? सर हम इतिहास लिखने आए, हम यहाँ इतिहास लिखेंगे और लोगों को वो पढ़ाएंगे। तो आपकी जबरदस्त तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा मैम, सबसे अनुरोध यही है कि थोड़ा टाइम की फाउंडेशन में थोड़ा टाइम ज्यादा ले गया हूँ, तो 2 मिनट में आप सिर्फ अपनी अचीवमेंट और अपना काम, अगले बारी जब भी हम नेक्स्ट रखेंगे उसमें आपका पूरा ध्यान रखेंगे। तो आपकी जबरदस्त तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा सीमा जी को, आपकी जबरदस्त तालियों। सीटी बजा सकते हैं क्या सुनील? नहीं 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 नमस्कार साथियों। नमस्कार। जैसे कि सर ने आज बताया कि सीमा मैम बता रही है, आज पहली बार तो मैं चाहूंगी कि हमारे अब तक जो भी प्रवक्ता रहे उनके लिए जोरदार तालियां। और मेरे ग्रेट गुरु संतनु जी के लिए जोरदार तालियां, दीपक आज जी के लिए जोरदार तालियां। सर ने जैसे बताया कि टाइम की थोड़ी सी अभाव है, तो मैं आपको थोड़ा ही शॉर्ट ही टाइम दूंगी आज। मेरी अचीवमेंट क्या है, नाम जैसे कि सीमा चंदेला, दिल्ली शहर से बिलोंग करती हूँ, और पहले से मैं सोशल वर्कर हूँ, राजनीति से भी संबंध रखती हूँ। कुछ ऐसे हमारे संगठन हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी उनके लिए, मैं उनसे भी जुड़ी हुई हूँ। और
यहाँ सुप्रीम फिल्म में कैसे आए? संतुलन जी के बदौलत, क्योंकि संतुलन जी ने मुझे 1.5 साल पहले बताया था कि सीमा जी आप यहाँ आओ, और ये बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है सुप्रीम फील्ड डिप्लोमास और प्राइवेट लिमिटेड। उस टाइम मैंने विश्वास नहीं किया था, क्योंकि मुझे उस टाइम राजनीति का बहुत सवाल था। मैं राजनीति इसके अलावा कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं राजनीति से हूँ, अपने नवीन श्रावती वार्ड से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ मैं। तो मैंने उस टाइम सर को मना कर दिया, नहीं सर मेरे पास समय नहीं है और मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन फिर अब कोई 1.5 महीने पहले सर ने मुझे फॉलो करना शुरू किया, सर ने मुझे बुलाया, सीमा जी एक बार ये आप मेरे ऑफिस आई है, एक बार ये प्लान देखिए जरूर। तो मैं आई और दीपक सर जी से मिली, मैं राज जी से। तो उस टाइम जब मैंने देखा, मेरा दिमाग शायद खाली था, जैसे कि अभी कुणाल जी ने बताया, दलीप जी ने बताया और वीर प्रताप जी ने बताया कि हमें कुछ भी सीखने के लिए अपने दिमाग को खाली रखना पड़ता है। और उस टाइम मेरा दिमाग खाली था, सर ने मुझे प्लान समझाया और मैंने बहुत ही ध्यान से ये प्लान सुना भी और देखा भी। और जब सर मुझे दिखा रहे थे कि भाई इसमें ये इनकम आती है, ये आती है, ये आती है, तो हकीकत बात बताऊँ ना, मैं सर बता रहे थे और मैं समझ रही थी कि सर इतनी जल्दी इनकम आ सकती है, कोई भी फील्ड नहीं है। और सर ने बोला मेरा अचीवमेंट, अभी मुझे 1.5 महीना हुआ लगभग, मेरी टीम भी है और टीम मेरी क्या है, मैं टीम की हूँ। अचीवमेंट तो अभी सर ने बताया कि भाई कुछ टोकन आजकल वापस हो रहे हैं। सर ने ये बहुत ही अच्छी बात बताई है कि हम कभी भी जाते हैं हमें रास्ते में क्या करना चाहिए, देखिए हमारा फोकस पूरा कस्टमर के ऊपर होना चाहिए। रास्ते में चलते हुए रास्ते में क्या है, क्या वहाँ के प्रोजेक्ट हैं, कहाँ पे स्कूल है, कहाँ पे कॉलेज है, ये बातें हमें बताते हुए जाना चाहिए। ले जाने को तो हम कस्टमर को जैसे कि सर ने बताया बीच में से शॉर्टकट करके भी ले जा सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि हमें अपने प्रोजेक्ट दिखाने हैं, हमें अपनी जमीन बेचनी है, क्योंकि जमीन बेचना और सेल करना बहुत खतरनाक काम है। जिसने ये कर लिया सर ने जैसे कि बताया, वो इंसान सारे मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब सारे पहाड़ों से उतर के अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा। और अब तक ज्यादा प्लॉट सेल नहीं किए हैं, कोई 4 प्लॉट के टोकन हुए हैं। और जैसे कि सर ने बताया है कि 30% होना बहुत ही जरूरी है, जब तक हम 30% नहीं करेंगे तो हमें विश्वास भी नहीं होगा कि हमारे पास इनकम आ सकती है। और जितना हम लोग देर करते हैं फिर उतना ही हमारा डिमोटिवेट हम होते चले जाते हैं कि यार हमने तो 4 प्लॉट सेल किए थे और 4 प्लॉट में 30% हमारा हुआ नहीं है, कस्टमर ने किया नहीं है और हमारे पास तो पैसे अब तक आए नहीं है। तो मैं भी आज के बाद मैंने ये अपने दिमाग में डाल लिया है कि 30 और 40 के लिए मैं लोगों से बात करूंगी, मैं ये बोलूंगी नहीं कि 2100 रुपये का टोकन करवा दो। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, लेकिन एक छोटा सा शेर है, जैसे कि आप तो बस ये गाओ थी ये शेर सुनाने की, तो मैं भी आज भाग्य के दरवाजे पर, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों के तूफान पैदा कर लीजिए। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों के तूफान पैदा कर लीजिए, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। धन्यवाद साथियों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और आप सबसे यही मैं अक्टूबर में ज्वाइनिंग ली थी यहाँ पे, और 1 महीने के अंदर मैंने करीब 500-700 गज सेल की थी। इतना बेचा सर मैडम ने, बिलीफ हुआ क्या? अच्छा 85,000 रुपए गुना करके देख लेना, 700 गज निकल के आएगा 7,00,000 रुपए। मेरी एक एसी मैंने अचीव किया है और एक मोबाइल का, मैंने 250 गज हमारी 30% होने वाली है। थैंक यू, बिलीव लेवल बढ़ाए। नमस्कार, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हार्दिक गहराई से, हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि नमन, आभार प्रकट करते हैं।
आपने समय दिया कंपनी को अपने लिए और जो है ना अपने साथियों को। बड़ी अच्छी बात है साथियों, हम दो मिनट में ही अपनी बात को विराम देना चाहूँगा, समय का अभाव है। साथियों यहाँ पर बताया गया है इनकम, और इनकम ये आप मानेंगे नहीं, ये सच्चाई है बिल्कुल। आप नए लोगों को तो यकीन नहीं होगा क्योंकि मैं कर रहा हूँ, मुझे यकीन हो रहा है और मैं आया ही इसीलिए क्योंकि मैं 20 साल से लगभग ये दिलीप हमें जानते हैं बच्चे थे ये, जब से मैं प्रॉपर्टी का ही काम कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ क्यों आया, यहाँ इसलिए आया कि डायरेक्ट सेल तो हम करते ही हैं लेकिन वो रेगुलर नहीं हो पाती, कभी कभी हो सकता है एक महीना पूरा खाली निकल। तो यहाँ हम टीम वर्क जब हमने समझाया, मैंने समझा दीपक सर के माध्यम से, मनीषा जी के माध्यम से मैं इधर आया और 3 नवंबर को आया था। उसके बाद हर महीना अभी तक जो वही पेमेंट है हमारी 6 लाख प्लस टोटल हो गई हमारी। डायरेक्ट सेल में पिछले रिवार्ड में आईफोन पर पहुंच गया था, 8 डायरेक्ट किए थे, और इसमें जो है ना इस रिवार्ड में कहाँ पहुँचेंगे, लक्ष्य तो हमने बनाया है बुलेट का, बाकी जहाँ पहुँचते हैं इसके लिए करना क्या है साहब, इतिहास रचना हो कि देखिए कहानी बहुत संक्षेप में बताऊंगा कि जो साबुन से नहाते हैं, मेरी बात को समझने की गहराई है, गहराई समझना गहराई से, कि जो साबुन से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। सिस्टम के तहत काम करना पड़ेगा, इनकम तो आपको ने सोचा भी नहीं होगा इतनी इनकम आप कमा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वादी को राम देना चाहूंगा। सर छोटी सी स्टोरी है, शेक्सपियर का नाम आप लोगों ने करीब-करीब सुना होगा, मुझे किताबें पढ़ने का बड़ा शौक है। शेक्सपियर ने कहा बचपन में कि मैं रोता हूँ, बोला मैं रोता हूँ, किसी ने पूछा यार क्यों रोता है, बोला सामने वाले को देख के मैं रोता हूँ क्योंकि उसके पैर में जूते हैं, सामने वाले को देखकर मैं रोता हूँ क्योंकि उसके पैर में जूते हैं। जस्ट सेकंड में जो उसको फॉलो कर रहा था उसका फादर, उसने यूं उसका सर घुमाया, बोला देख इसके पैर भी नहीं है, इसके पास जूते कहाँ से आएंगे। नसीब के भरोसे मत बैठना साथियों, कर्म करना, मेहनत करना, जो ये सारी इनकम है ना वो आपके पास आएंगे। और इसी कड़ी में 2 सेकंड के लिए बुलाना चाहूंगा, क्योंकि अगर उनको 2 मिनट बोल दिया ना तो उनका 10 मिनट हो सकता है, तो आपकी जबरदस्त तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा अशोक गौतम जी को एक बार। आपकी जबरदस्त तालियों के। पिछले शुक्रवार को मैं इनको देखता आया और क्या धमाल किया है, पिछले शुक्रवार से मैं देखता आ रहा हूँ सर को, 10 से 12 दिन हुए, क्या धमाल किया होगा अपने। सभी साथियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। वैसे तो बहुत सारे परिचित लोग बैठे हैं, मैं तो बड़ी मुश्किल से इस लाइन में आया हूँ, कई लोगों ने कोशिश की, हमारी जी ने कई बार मुझे कहा, लेकिन मैं बिलीव नहीं करता था। मैं भी पिछले 20-30 साल से यही प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, तो यहाँ बैठ करके 1-2 लाख रुपए कमा लेते हैं तो हम सोचते थे वहाँ कहाँ इस कमीशन के चक्कर में पड़ेंगे, तो मैं बिलीव नहीं करता था। लेकिन फिर भी सीमा मैडम ने मुझे एक दिन कहा कि भाई साहब एक बार चलो आप प्लान देख लो, मैं आया प्लान देखा, मुझे समझ आया, मुझे भी लगा कि ये शायद इतना ज़्यादा इनकम आ सकता है, तो मुझे भी ये विश्वास हुआ, मैं भी लगा हूँ। एक दो बार साइट पर जा चुका हूँ और एक बुकिंग भी कराया है, कोशिश करूँगा और भी ज़्यादा बुकिंग हो जाए। ये मेरा तो अपना विचार ये है कि अच्छा है, जो भी है बहुत बढ़िया है, और इसको जितना और बढ़िया किया जाए सब लोग मिलकर। कितने गज का बेचा सर आपने? मैंने 64 गज, न 50 न 100, 64 गज। जब यहाँ जैसी परंपरा चल रही है तो मैं कहना चाहूँगा, इंग्लिश की कहावत है ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन, और हिंदी में कहा गया है करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात से सिल्वर वर्ग निशान। बात करेंगे रोज किसी न किसी को ले जाने की बात करेंगे और हम हर हफ्ते किसी न किसी को लेके जाएंगे, तो गारंटी से ये सब अचीवमेंट हमारे पास होंगे। चलिए सर यहाँ तक ये हमारे वो अचीवर थे और जिनकी छत्र ये जो आप लगाए हैं एसी, इसका हवा इधर ही आता उधर नहीं जाता, नहीं जाता ना, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां इसके लिए। साथियों नमस्कार, आप लोग
बहुत देर से पेशेंट से आप लोग मीटिंग सुन रहे थे, फिर भी सब प्रोग्राम हो जाएगा। देखिए आप पेशेंट से मीटिंग सुन रहे थे, ये मीटिंग प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की थी। 5 मिनट का समय आप लोगों से लूंगा और मैं चाहूंगा कि जितने लोग नए आए हैं एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। एक बार अपनी कंपनी सुप्रीम बिल्ड के लिए एक बार जोरदार तालियां, एक बार हम सब अपने लिए जोरदार तालियां। साथियों, जितने वक्ता आए और जो आपको बता के गया उसके तरफ से एक शायरी है मेरी, वो बता गए कि हम ही हम है तुम ही तुम हो, हम ही हम है तुम ही तुम हो, न कम हम है न कम तुम हो न कम तुम हो। साथियों, सबसे बड़ी चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अभी गोवा टूर का चल रहा है, आप लोगों के लिए गोवा टूर कंपनी ने दिया है, डिसाइड किया है, उसके लिए 50 दिन का टाइम रखा है, सबके व्हाट्सएप पे जा लिया होगा। तो कोशिश कीजिए कि हमने वादा किया है कंपनी से मैनेजमेंट से कि मिनिमम 30 आदमी हमारे जाएंगे गोवा, बोला जितने हो जाए तो हमारी 30 आदमी से ज्यादा हमारे गोवा जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग, अभी शुरुआत हुई है, अगले महीना 30 तारीख तक है और करना कितना है 10 लाख रुपए। अगर 100 गज के प्लॉट बिक गए 2 तब भी आपके 10 लाख रुपए हो जाएंगे। कोशिश ये कीजिए टीम से भेज दीजिए तब भी चले जाएंगे। तो एक तो वो हुआ, दूसरा है कि अगर विजिट कराते हैं अदर टीम, जैसे संडे की तो विजिट होती होती है, संडे के अलावा जो अदर डे को आप विजिट कराते हैं तो कस्टमर को ऑफिस तक लाना अनिवार्य है, ध्यान रखना आप लोग। पता चलता है कोई आधे रास्ते को उतार देता है, कोई हमें कैसे पता चलेगा आपने क्या किया। अगर कोई कमी भी हुई होगी तो हम उनका विश्लेषण कैसे करेंगे, उसको हम कैसे मानेंगे उस कस्टमर से, तो फिर दोबारा कंपनी के किसी का मुलाकात ही नहीं हुआ। तो आप ले भी गए, बात भी नहीं हुई, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ हो पाएगा। इसलिए आगे से हम लोग ध्यान रखें कि संडे के अलावा अगर ले जाते हैं तो उस कस्टमर को ऑफिस तक लाना, अगर जल्दी आना है तो जल्दी लेके जाइए, जल्दी लेकर के आप आ जाइए। अब उसके बाद कुणाल जी थोड़े से बता रहे थे, मैं आपको बता दूं 30% अगर हम 1.5 साल में करेंगे तो कमीशन कब आएगा? 1.5 साल। एक भूखे आदमी को 1.5 साल रख दे रसोई में, अगर खाना 1.5 साल बाद मिलेगा, रुकेगा क्या कोई? तो कंपनी का एक सिस्टम है कि आप 30% जितना से जितना जल्दी करवा दीजिए। उसमें हमारे बहुत सारे लोग रहे, बहुत सारे साथी हमारे बीच रहे जो वन टाइम लेके गया और 10वें दिन उन्होंने क्या करा, 40% 50% 100% करवा दिया और उन्होंने लाखों रुपया नेक्स्ट मंथ ले लिया और अपने घर वालों को दिखा दिया, अपने घरवाली को दिखा दिया कि देखो हम लाख रुपया यहाँ से कमाते हैं। तो हमें क्या करना है कि जितनी जल्दी हो सके, अगर क्लाइंट उसमें लेट करे तो सीनियर से फोन पे बात करवाइए, मैनेजमेंट से बात करवाइए, क्योंकि प्यासे हम है, हमें जरूरत है लाख रुपए की, हमने सपना देखा है लाख रुपए का। उसके बाद अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो, अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो इरादे नहीं। क्या होता है हमारे लोग क्या करते हैं, एक दो बार गया तरीका क्या इरादा क्या वो सब बदल देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे दुख लगता है क्योंकि हमने जिसका हाथ पकड़ा और हम यहाँ तक लेकर के आए, हमारे साथी ने उनको सपना दिखाया कि मैडम आप 1 लाख रुपए महीना कमाओगे, आपको कहा भाई साहब 1 लाख रुपए कमाओगे और सीढ़ी पे चढ़ना था पहली मंजिल पे और 10 पैड़ी पे चढ़े और वापस चले गए, क्या मंजिल पे हम पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच सकते ना। आप धैर्य रखिए, मैं वादा करता हूँ, मैं आप लोगों के बीच में वादा करता हूँ दीपक राज, अब तक आप इस कंपनी में जाके पूछ लीजिएगा या किसी कंपनी में जाके पूछ लीजिए, अपलाइन हो सकते हैं, लाइफ लाइन नहीं हो सकता। अपलाइन का मतलब होता है अपस्वाद। क्या होता है साथियों? अगर कोई आदमी आपको बोल दे मैं आपका अपलाइन हो, समझ जाना ये अपस्वाद होगा। क्या होगा? उनको आपके लाखपति बनने से कोई मतलब नहीं है। और जो लाइफ लाइन क्या कहा हमने,
क्या कहा? लाइफ लाइन। जो लाइफ लाइन आपके सीनियर होंगे उनको आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, चाहे दुख हो या सुख हो, लेकिन इरादा आपको नहीं बदलना। उसके बाद मैं एक शायरी छोटी सी बोलूंगा, फिर आपको बताऊंगा थोड़ा सा। आंसू की आंसू को आते हैं और दर्द भी छुपा जाते हैं, आंसू भी आते हैं और दर्द भी छुपा जाते हैं। ये जिंदगी है साहब, ये क्या है? जिंदगी है साहब, यहां जबरदस्ती भी मुस्कुरा जाते हैं। जबरदस्ती जबरदस्ती मुस्कुराइए, थोड़ा सा जोर से ताली बजाइए कि जो हम लोग मुस्कुराने नहीं आए, 1,00,000 रुपए हम यहाँ कमाने आए। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, मैं आपको बताने जा रहा था बीच में कड़ी, कि मैं जब से यहाँ आया 1 साल हमारा पूरा नहीं हुआ अभी, 1 साल लिख लीजिए, अगर लिखना हो, टेप करना हो, रिकॉर्डिंग करना हो, कर लीजिए। मैं वादा करता हूँ मुझे 1 साल नहीं हुआ, 36 साथी को मैंने लाखपति यहाँ बनाया सहयोग करके, 36 साथी को। आप यही चीज किसी कंसेप्ट में जाके, किसी कंपनी में जाके या कहीं भी जाके उन सीनियर से पूछिएगा, वो अपलाइन से पूछिएगा कि क्या आप अब तक कितने लोगों को लाखपति बनाए। मैं दिन रात फिक्र करता हूँ, 24 घंटा यहाँ बैठता हूँ, रात को 12 बजे जाता हूँ, मैं आकलन करता हूँ जो साथी हमारे साथ यहाँ जुड़े, सुप्रीम फील्ड में आए और हमारे साथी ने लाखों लाखों रुपयों का उनको ख्वाब दिखाया, ड्रीम दिखाया। ये यहाँ से वीर प्रताप जी ने द्वारका मोड़ से लेकर के बछेड़ा होते हुए, द्वारका एक्सप्रेस होते हुए मानेसर ले गया, और मानेसर से फिर कहाँ ले गया? आपको साइड पे, और साइड पे ले जाने के बाद आपको सपना दिखाया और कहा यहाँ 1,00,000 रुपए महीना कमाओगे। साथियों आप मान लीजिए आज फोटो खींच के आप जाते हो हमारे साथ, आपके बच्चे देखते हैं, आपके पति देखते हैं, आपकी पत्नी देखती है, और ऐसे अगर कोई लोग बैठे हो जिनके गर्लफ्रेंड देखती हूँ, ये टाई वाला कौन है? हमारे सीनियर है दीपक राज है या मन की बात कहता हूँ, जो मुझे बीता भाई, मैं भाई जमीन पे आदमी हूँ, आप भी जमीन के आदमी है। मैं तो अपने घर की जो बात होती है वो आपके घर से समझ लेता हूँ, हम अपने घर को अपने घर से जोड़ देता हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ अगर आपने ये टाई वाले के साथ फोटो खिंचवा के गया और दिखा दिया, मम्मी ये क्या करते हैं, सीनियर है, अच्छे पैसे कमाते हैं, मम्मी आप कितने दिन से जा रहे हो, 6 महीना हो गया, कितने पैसे कमाए बेटा, अभी कुछ नहीं हुआ, कहा ये झूठा आदमी होगा जो टाइम वाला है। वास्तविक बता देता हूँ साथियों, वास्तविक मैं कहता हूँ कि आप हमारे साथ मेहनत कीजिए। अगर जिसके साथ दीपक हो अंधेरा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? और मैं होने भी नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा मैं कसम खाता हूँ उसको लाखपति बना के छोड़ूंगा, चाहे जैसे बनाना पड़े, को 10,000 कमाने के लिए लोग 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, आप हफ्ता में 3 दिन आ जाइए, टाइम है तो डेली आ जाइए, टाइमिंग नहीं है, टाइम है तो डेली आ जाइए, टाइमिंग नहीं, शाम को 6 बजे आ जाइए हमारे साथ चाय पी लीजिए, सुबह 12 बजे आ जाइए चाय पी लीजिए, कम से कम ये तो लगेगा कि जिस कांच से हम 1,00,000 कमाएंगे उस मंदिर में हम दर्शन तो कर रहे हैं। अब आपको एक और बात बताऊं, हमारे दिलीप जी कह रहे थे कि 1,00,000 रुपया कौन कौन कमाएगा, आप लोग बताइए सर कौन कौन कमाएंगे, वो बता रहे थे तो कोई तो ऐसे किया, ये तो समझ में आया ये कमाएंगे, कोई ऐसे किया ये समझ में आया। अब भगवान यहाँ कंफ्यूज है कि यार इनको लाखपति बनाऊ, इनको बनाऊ या इनको बनाऊ, कुछ तो ऐसे कर रहे थे। अरे भाई मैं देख रहा था कुछ तो ऐसे कर, भाई ये समझ में आया, हमने दोनों हाथ उठाया भाई लाखपति हम बनेंगे, है ना, और कुछ ने कहा ऐसे और कुछ कर रहा ऐसे, तो ये समझ में नहीं आ। साथियों अगर दिल आपका साफ है, लाखपति बनना है तो दोनों हाथ उठाना जी, कोई पैसा थोड़ी लगता है, एक्सरसाइज तो हो गया, अगर कोई नस दबा होगा बैठे बैठे वो खुल जाएगा, ताली बजाते बहुत कुछ फायदा हो जाएगा। तो साथियों सबसे बड़ी चीज, अगर किसी मीटिंग में जाते हो, चाहे वो जहर बेचने की मीटिंग क्यों ना हो, सुनो आप अपनी बाहर का काम बाहर छोड़ के आओ, हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में जहर बेचने वाले भी करोड़पति हैं, लेकिन हम एक चीज बेचने जा रहे हैं, कंपनी ने आपको कहा कि फ्री में हम नौकरी दे रहे हैं और पैसा लेकर के अगर झोपड़ी बनाओगे तो करोड़पति बन जाओगे, तो हम नौकरी भी दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं, नौकरी और झोपड़ी।
बताऊं, बता रहे थे टीम बनाओ। आपने इंसान को तो टीम बनाते देखा है, मुर्दे को किस किसने देखा टीम बनाते? बड़ी अजीब बात है, किस किसने देखा? उठा दो हाथ, जिसने नहीं देखा वो हाथ मत उठाना। कुछ लोग इधर महिलाएं ने नहीं देखा, जिंदा की तो टीम देखा, ये आए हुए हैं, लेकिन मुर्दा भी टीम बनाते हैं। आप हाथ नीचे कर लीजिए, सोचिए, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। अकेला कौन चलता है? लंच और पंच वाला। क्या चलता है? लंच वाला, पंच वाला। जैसे आपने टिफिन पकड़ा, गढ़वाली दी, मम्मी पापा दी, लिया और कहाँ जा रहे हैं हम? ड्यूटी। ये क्या है? लंच। और जाते ही हमने वहां क्या करा? पंच। ये लंच पंच वाले को कार चलाते नहीं देखे होंगे आप। अगर कार खरीद भी लिया तो महीना में एक दिन चलाते होंगे। इनको क्या सूट करता? चाहे लाख रुपए उनका तनख्वाह क्यों ना हो, उसका लाख आने से पहले पीछे लाख वाले खड़े रहते हैं। रहते हैं यस या नो? खड़े रहते हैं यस या नो? अब आप लोगों को बता दूं कि ये जो लंच और पंच करने वाले हैं, इसके लिए है ऑटो, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटी, अब उससे ऊपर जाए तो बस, उससे ऊपर जाए तो मेट्रो। आपने लंच पंच करने वाले को जहाज में देखा कभी? नहीं देखा होगा। मसूरी घूमने कितने लोग लंच पंच वाले जाते, कहते मत जाओ। अगर आप उनकी बीबी ने कह दी कि इस बार एक साड़ी बढ़िया ला देते, दिवाली है, बिहार में छठ होते हैं, छठ है, है ना, चुप। इस महीना में जो सेल्फी आया था ना, वो इतने लोगों को देना था, सोमवार बाजार में चलेंगे ना, ले लेंगे। हम मैनेज करते हैं। क्या करते हैं? हम जिंदगी की मैनेज करते हैं साथियों। अगर आप लाख रुपया कमाते हो तो बेगस मोल जाओ, बेगस मोल जाओ। एक साड़ी 10,000 से नीचे नहीं है, एक जूती 5,000-7,000 से नीचे नहीं है। एक बार क्या हुआ, मैंने कहा यार घड़ी खरीदना है, मैं अपनी पत्नी को लेके चला गया। लेके गया, कहा ये कौन सी घड़ी है, ये टाइटन HMT तो है नहीं। मैंने कहा ये वो HMT वाली घड़ी नहीं ली है, घुस गया उसमें। वो 50,000 से तो शुरू ही हुआ, 1,25,00,000 तक पहुंचा तो मैडम कहती है गेट किधर है। मैं CNG की गाड़ी चलाता था, जब सुप्रीम फील्ड में आया तो मैं पेट्रोल की गाड़ी चलाता हूँ। बदलाव है साथियों, ये बदलाव है, ये बदलाव है। अगर आप 50,000 से ज्यादा कमाना शुरू करेंगे, ब्रांडेड चीज ढूंढना शुरू कर देंगे साथियों। क्या कर देंगे? ब्रांडेड चीज ढूंढना शुरू कर देंगे। कल की बात बताऊं, कहा राशन नहीं है घर में। मैंने कहा कहां चलना है? तो राजमंदिर। मैंने कहा राजमंदिर क्यों? कहा वहां ब्रांडेड सामान लेंगे, इनकम है ना। क्या है? इनकम है तो कहां का नाम लिया? ब्रांडेड सामान लेंगे। और जब तक इनकम नहीं था तो कहा कॉलोनी में है ना मिश्रा जी का दुकान, यहीं से ले लेते। साथियों ये सोच है। अब हम लोगों की जो उम्र है, ये 54-58 पे काम नहीं चलेगा साथियों। जो डॉक्टर 100 रुपए लेता था, फीस आज 600 रुपए लेता है। जो डॉक्टर 600 लेता था, वो 1200 रुपए लेता है। जो सरसों तेल, मैं जब दुकानदार था कुंवारे में, मेरी दुकानें थी, मैं 32 रुपए का सरसों तेल बेचता था साहब 2007 में। आज वो सरसों तेल की कीमत कितनी है? 200, 220। आज से 10 साल बाद हमारे बच्चे जब हमारे ऊपर लायबिलिटी बन जाएगा, वो सरसों तेल कितने का खरीदेगा? 1,000 रुपए लीटर। वो अपना देखेगा या हमको देखेगा? कहे बुड्ढा को जीने के नीचे डाल दो जी। बहू को बोलेगा रोटी दे दियो, बकबक करे तो छोड़ दियो, सामने खाट खड़ी कर दियो, जो तुमको देखे भी ना वो। और आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप कमा करके 4 मकान बना लिया और 10 चौके 40,000 रुपए आपके पैर से आने शुरू हो गए, तो बहू भी कहेगी मम्मी का पैर किधर है, और बेटा भी कहेगा पापा का पैर किधर है। तो साथियों अगर पहचानना है तो आपको इनकम करने होंगे। अगर इनकम नहीं है तो आपकी कोई पहचान नहीं है। तो टीम किसकी होती है? मुर्दे की भी होती है। कसम खा लो साथियों, आप 10 आदमी ला करके दे दो, लाखपति हम बना देंगे आपको। अब ये मैडम फोन बार बार कर रही है, बाहर जाके लाखपति बन जाएंगे। एक बार जोरदार तालियां मैडम के लिए। साथियों, कुछ
होता है कि अगर आप मीटिंग में आते हो, मैंने बैठा था आप पीछे बैठ जाओ, बार बार बाहर जाओ, लोगों को दिखा दे कि आज हम लाखपति बनने वाले हैं, आज हमारी कंपनी देखेगी कि आज नंबर वन स्टार्ट टीम के जो भी साथी हैं वो लाखपति बनेंगे। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ऊपर वाले ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बीच जो भी आज साथी आए वो लाखपति बनेंगे। आपने फोटो खींच लिया, एक बार जोर दे ताली आपके लिए। आज आप कसम खा के जाएंगे, अगर किसी की कसम ना खाए तो इस कंपनी का, अपने विकास का, नहीं तो ये सीनियर का ही खा ले। बाय गॉड इतिहास पढ़ लेना, जो लोग आज से मेरे साथ 15 साल पहले से थे, 20 साल पहले से थे, जहां भी मैं रहा, अगर मैं लाखपति रहा तो मैंने उनको भी लाखपति बनाया। किसको लाखपति बनाया? जो हमारे साथ थे मैंने उसको भी लाखपति बनाया। कैसे बनाया? मैं अपने से नहीं बनाया, हम अपने साथ उनको चला के बनाया, अपने साथ मेहनत करवा के बनाया। चाहे वो हमारे केबिन में बिस्कुट खा के बने हो, चाहे वो हमारे केबिन में लड्डू खा के बने हो। यहाँ तो ये भी चर्चा है कि दीपक राज जी अपने साथी को लाखपति बनाने के लिए लड्डू लाते हैं। क्या चीज है भाई, हमारे लिए तो आप गणेश हो, हम लड्डू नहीं लाएंगे। किसके लिए लाए? विरोधी के लिए लाए। मैंने कहा भाई अगर तुम्हें शौक हो तो तुम भी हमारे केबिन में आ जाओ। लेकिन आज नोटिस लग गया है, नोटिस बोर्ड पर लगा हुआ है। आप लोग ये चीज ध्यान रखना कि डिफरेंट से आप बात नहीं करेंगे। जो अलग टीम है, अगर हम, मेरी बात समझ लीजिए कि मैं हूं और मेरा चाचा किसी के साथ, सोनू जी के साथ है, जुड़ गया और हम पहुंच गए तो मेरे चाचा, नमस्ते चाचा, पैर छूने की जरूरत वहां नहीं है, वो अलग बिजनेस, हम अलग बिजनेस। याद रखना साथियों, हमें वहां नमस्ते नहीं करना, घर में जाके चाचा से नमस्ते कर लेंगे, लेकिन वहां किसके हैं? सोनू जी के वो क्लाइंट है, सोनू जी के वो एसोसिएट है, सोनू जी के वो आदमी है, हमारे वो नहीं है। तो साथियों मैं चाहूंगा कि आप है तो इंसान है, तो मेरा भाई है, तो मेरा परिवार, मैं उनको लाखपति बना करके छोड़ूंगा, ये सही। मीटिंग को हम समापन की तरफ ले जा रहे हैं और करीब करीब हम पहुंच गए हैं। तो सिर्फ इतना कीमती समय आपने दिया, उसके लिए सुप्रीम फील्ड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड आपका तहे दिल से धन्यवाद करती है। एक चीज है सर, 2 सेकंड में, ये हर बारी में वही बनाता हूँ और ये मेरे को हर बारी अच्छा लगता है, ये क्या है सर? गरीब। और ये कहा जाता है? हमीरपुर। बीच में क्या आता है सर? होशियारपुर। क्या है सर ये? गरीबपुर। और जा कहाँ रही है? हमीरपुर। खड़े हम यहाँ है, जीरो है, सुप्रीम फील्ड में हम खड़े हैं तो जीरो है। हम वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो अमीरपुर 100% जाएंगे, लेकिन बीच में एक जगह आती है होशियारपुर। कितने लोग उतरने को तैयार हैं? नहीं उतरेंगे, नहीं उतरेंगे ना। रियल उतरना भी मत, क्योंकि जितना रास्ता आप वापस आने में तय करोगे, इतना अगर आप आगे की तरफ चले गए तो आप मंजिल पे पहुंच जाओगे। बोरिंग करने से अच्छा है एक जगह बोरिंग हो जाए। इसी बीच में हम अपना मीटिंग समाप्त करते हैं। आइए एक बार फोटो ले लें पहले।